राशन कार्ड धारक 31 दिसंबर तक जरूर कराएं ये काम, वरना लिस्ट से काट दिया जाएगा आपका नाम। आपको बता दें, बिहार सरकार ने राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दिया है। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और सरकार के द्वारा दिया जा रहा मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जो है खास है। आपको बता दें, राशन कार्ड धारक जल्द ही आधार के साथ में ई वैकेंसी करा ले, नहीं तो काफी सारी योजनाओं से यानी वंचित रह जाएंगे। आपको जो है सरकार के तरफ से कोई योजना यानी लाभ नहीं मिलेगा, इसके साथ में राशन कार्ड लिस्ट से नाम भी काट दिया जाएगा। तो आपको जो है पूरा खबर को सुनना है। बता दें, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत दी गई तारीख के भीतर सभी राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर तक आधार कार्ड में यानी लिंक कराना होगा। इसको लेकर खाद्य सचिव विनय कुमार ने एक पत्र जारी करा कि अधिसूचना के द्वारा राशन कार्ड में दर्ज कर सभी सदस्यों के लिए 31 दिसंबर तक विस्तार किया गया है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की आधार संख्या 31 दिसंबर तक दर्ज करनी होगी। इसके लिए जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर पास मशीन या फिर आधार की फोटो कॉपी के द्वारा फ्री में आधार सीडिंग यानी केवाईसी करनी होगी, नहीं तो आप जो है सरकारी लाभ से वंचित रह जाएंगे। बीएसओ आशीष कुमार ने कहा कि दीपावली छठ के अवसर पर अधिकतर लोग घर में रहते हैं, तो संभावना है कि राशन कार्ड धारकों को आधार नंबर दर्ज कराना होगा। यदि एक आदमी और दो राज्यों से राशन कार्ड लाभ उठा रहा है और डिलीट करने के बावजूद नहीं हटाया गया, तो राशन लेने वाले सभी लोगों को नोटिस दिया जाएगा। राशन कार्ड धारक के मृत होने पर, कहीं जाने पर आधार सीडिंग ना होने की स्थिति में जानकारी पेश करानी होगी। आधार कार्ड व राशन कार्ड के नाम पर मिसमैच होने की स्थिति में लाभुक को पात्र यानी माध्यम से आधार सीडिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा ऑनलाइन कॉपी कार्यालय में पेश करेंगे और डीलर को जो है जमा करवाएंगे। तो ये काम जो है डीलर कराएंगे, तो आप जो है इससे सतर्क हो जाइए और जो है अपना अपना सेटिंग जो आधार कार्ड से राशन कार्ड में करवा ले। तब तक के लिए जय हिंद।